हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? सबको अच्छे होंगे। तो डिजिटल आईटी ग्रुप में आप सबका स्वागत है। चलिए, हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं। प्रीवियस ईयर का आपको एक प्रोजेक्शन यहाँ पे बना दिए हैं, जिसका व्यू हम निकालेंगे और आपको घर पे बैठ के इसका पहले प्रोजेक्शन बनाना है, उसके बाद जो हम व्यू बना रहे हैं उसका व्यू आपको आसानी से निकालना है। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको स्केल में देखना है कि क्या इसका डायमेंशन क्या है। किसी भी प्रोजेक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले उसका पूरे डायमेंशन का कैलकुलेशन करना एकदम अनिवार्य होता है। अगर आपको प्रोजेक्शन में दिए गए डायमेंशन का कैलकुलेशन सही तरीका से पता है, तब आप उसको आसानी से यानी 5 से 10 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटे के अंदर बना लेंगे। लेकिन अगर आपको प्रोजेक्शन में दिए गए डायमेंशन का कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा है, तब आपसे ड्राइंग बनेगा नहीं और ड्राइंग बनाने में आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, तो आइए हम एक बार आपको बता देते हैं इसका डायमेंशन क्या है। सबसे पहले इसका बेस देखेंगे, तो बेस कितना है? यहाँ से इसका 60 रन दिया है। बेस कितना दिया है? 60 रन दिया है। और इसका हाइट कितना है? तो हाइट भी आपका 60 mm है। और इधर का बेस कितना है? तो आपका 45 mm है। अब आपको सिर्फ इतना ही समझना होता है कि आधार दोनों का कितना या बेस दोनों का कितना है और हाइट कितना है। अगर हाइट और आधार आपका निकल गया तो बाकी बीच का आप उसी के अनुसार कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि आपका हाइट 60 है तो बीच में भी टोटल हाइट 60 है होगा। अगर बेस आपका 60 है तो आपका टोटल लगता ये 60 होगा। अगर ये 45 है तो बाकी सब आपका 45, यानी ये भी आपका 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, यानी कि टोटल 45 आएगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 और यहाँ से ये भी 60। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं। पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ इसका डायमेंशन 40, यहाँ हाइट दिया है 40 और यहाँ से यहाँ 20, यानी कि 60। कितना? 40 और 20 60 है। टोटल कितना हो गया आपका? 60। 40 हाइट इधर दिया है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ 20, यानी टोटल हाइट कितना हो गया आपका? 60। ठीक है, अब बात करते हैं 60, यानी कि यहाँ से यहाँ पर कितना दिया हुआ है? यहाँ से यहाँ 20, यानी कि यहाँ से यहाँ 20 और यहाँ से यहाँ 40, यानी जो 30 डिग्री में खींचा हुआ है आपका, यहाँ से यहाँ 40 और यहाँ से यहाँ 20, यानी 40 और 20 60। कितने का उल्टा दिया? 60। अब बात करते हैं हम इसका, तो यहाँ से यहाँ टोटल आपको कितना है? 45 में एक ही लाइन है तो 45 आएगा। अब बाकी आपका यहाँ से यहाँ 20 दे दिया और यहाँ से यहाँ 25 दे दिया, यानी 20 और 25 कितना हो गया आपका? 45। अब बात करेंगे यहाँ से यहाँ 40 है तो यहाँ से यहाँ कितना है? तो यहाँ से यहाँ आपका 40 है तो यहाँ अगर 20 दिखा दिया, यहाँ पे 20 शो कर दिया, तो बाकी कितना बचेगा? 20 बचेगा। ये हुआ आपका डायमेंशन। आप इसको स्केल पे बनाइए घर पे बैठ के। अब बाकी हम यहाँ पे आपको इसका व्यू निकाल कर दिखाते हैं। व्यू निकालने के लिए पहले सबसे क्या करेंगे, कॉपी में आपका ये दो पार्ट ऐसे कर देंगे। ठीक है, हम इसको फ्रंट मान के बनाएंगे। फ्रंट मान के बनाएंगे तो ये वाला देखेंगे इस साइड, क्या करेंगे इस साइड देखेंगे, इस साइड में कौन सा पार्ट दिख रहा है? इस साइड में ये पार्ट दिख रहा और ये पार्ट दिख रहा है, यानी कि ये आपका फ्रंट हो गया। ठीक है, और ये आपका फ्रंट, यानी फ्रंट में दो पार्ट दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको बताए थे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ 10 mm छोड़ेंगे और यहाँ से यहाँ 10 mm छोड़ेंगे। कितना ले लेंगे? हाइट कितना ले लेंगे? तो हाइट कितना है आपका? 60 है। हाइट कितना है? 60 है। तो हाइट 60 ले लिए। आधार कितना है? तो आधार भी आपका 60 है। ठीक है, अब ये हम ले लिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम, उसे एक डब्बा बना लेंगे, यानी चारों तरफ से हाइट से ब्लॉक कर देंगे। क्या करेंगे हम, यहाँ भी आपका 60 लेकर और यहाँ से ऊपर से भी आपका 10 रन छूटा रहना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो गया। अब देखेंगे कि यहाँ से यहाँ कितना काटा है, तो यहाँ से यहाँ 20 काटा है, तो यहाँ से कितना काट देंगे हम, यहाँ से हम 20 काट देंगे। ठीक है, 20 के बाद कितना डाउन किया है, तो 20 डाउन किया है, तो हम क्या करेंगे आपका 20 डाउन कर देंगे। ये आप 20 डाउन कर दिए, 20 डाउन करने के बाद इसको कितना खींचा है आपका, ये आपका 20 डाउन करके ये टोटल आप इसमें मिला दे, यानी कि 40 रन ये आपका इसमें मिला दिया। ठीक है, आपका 20 डाउन कर दिया, 20 डाउन करने के बाद क्या ये आपका 40 मिला है। ठीक है, कितना है आपका? ये 40 है, तो ये आपका 40, यानी कि ये टोटल कितना है आपका? 60 है नंबर। ठीक है, अगर अगर 60 है तो ध्यान देने वाला बात है, अगर ये 60 है ये अगर 60 है तो 20 अगर यहाँ से खींच दिया तो बाकी आपका 40 मिलेगा कि मिला दिया, यानी ये डाउन कर दिया, कितना 20 है, यहाँ से यहाँ 20 डाउन कर दिया। ठीक है, ये 20 मिल गया,
ये आपका 20 ले लिया, यहाँ से आपका 20 डाउन कर दिया, फिर आकर इसमें 40 आपका यहाँ से मिला दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि ये कटा हुआ भाग इसमें दिखाना है, कटा हुआ भाग दिखाना है। तो कटा हुआ भाग दिखाने के लिए क्या करना है कि कटा हुआ भाग क्या है कि यहाँ से यहाँ 20 है, तो यहाँ से यहाँ 20 रहेगा आपका, ठीक है, यहाँ से यहाँ 20 रहेगा और इसके नीचे डाउन 20 किया है, तो यहाँ से ये आपका 20 रहेगा, ठीक है, और ये आगे आपस में, ठीक है। तो ये आपका फ्रंट का पार्ट बन गया, इसमें क्या हुआ आपका, ये फ्रंट का पार्ट बन गया। अब इसी के ऊपर टॉप बनाएंगे, यानी कि देखेंगे टॉप में कौन सा दिख रहा है, ये जो टॉप है टॉप कौन सा दिख रहा है। तो टॉप में आपका ये पार्ट दिख रहा है और ये पार्ट दिख रहा है, आपका दो पार्ट टॉप में दिख रहा है, ठीक है। और ये भी आपका टॉप है, हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, ऊपर तक देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसी के बेस पर यहाँ से और यहाँ से पहले हम 60 ले लेंगे, ठीक है। कितना ले लेंगे हम यहाँ पे आपका 60 इसके बेस पर, यहाँ से यहाँ का हम बस से छोड़ेंगे। और ये हाइट कितना रहेगा, तो हाइट आपका यह है जब हम इसको सीधा करेंगे ऐसे करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे करेंगे, यानी इसको आप ऐसे जब खड़ा करेंगे तो ये हाइट कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। तो हाइट कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 45 हो जाएगा। हाइट कितना हो जाएगा आपका इसका 45 हाइट हो जाएगा। तो ये आपका एक डब्बा बन गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपका ये वाला पार्ट दिख रहा है आपका टॉप में, तो ये वाला पार्ट कितना है, तो यहाँ से यहाँ 20 लिया है, तो यहाँ से यहाँ 20 ले लेंगे, इसका सेम स्केल रहेगा, ठीक है, सेम स्केल पे इसका सेम स्केल रहेगा, यहाँ से यहाँ पे सेम स्केल रहेगा। तो ये 20 पर ये बन गया आपका एक पार्ट, ये वाला बन गया। अब कह रहा है कि ये पार्ट दिखाई दे रहा है, तो ये कटा हुआ भाग है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से देखिए ये पार्ट क्या कर रहा है, यहाँ से डाउन कर रहा है, यानी यहाँ से आपका डाउन कर रहा है। तो यहाँ से ये कितना ले रहा है, ये आपका यहाँ से यहाँ आपका 20 ले रहा है, और यहाँ से यहाँ भी आपका 20 लेगा, और 20 लेके आपको यहाँ से आप 20 उठाएगा, ये जो है इसके सेम स्केल को उठाएगा, ठीक है, यानी कि आपका ये सेम स्केल पर 20 उठा लेगा और ये आपका सेम स्केल पर 20 मिला देगा, यानी कि इसका यहाँ से डायमेंशन आपका 20 हो गया, यानी कि इसका भी डायमेंशन आपका 20 हो गया, ये 20 हो गया और आपका इसका भी डायमेंशन 20 हो गया। बाकी आपका इधर कितना बच गया, तो 20 और ये आपका बच जाएगा 25। तो हमारा फ्रंट बन टॉप बन गया और ये फ्रंट बन गया। ध्यान से देखिए, ये आपका फ्रंट और ये टॉप, ये दोनों बन गया। अब हम बनाएंगे साइड, तो सेम इसी का आधार कितना है इसका 45, तो यहां से हम क्या करेंगे कि 45 ले लेंगे, ठीक है, और हाइट तो सेम है, अगर इसका 60 है तो इसका भी 60 रहेगा, तो हम हाइट यहां से इसका 60 ले लेंगे, ठीक है, और दोनों का 60 लेने के बाद इसको पहले सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी प्रोजेक्शन का जब हम व्यू निकालेंगे तो उसको पहले डब्बा बना लेंगे, क्या करेंगे डब्बा बना लेंगे। तो हम आपको यहाँ डब्बा बना लेंगे। अब डब्बा बनाने के बाद क्या कर रहा है कि सबसे पहले साइड में ये दिख रहा है ये पार्ट, तो क्या करेंगे कि यहाँ से 20, यानी कि ये जो स्केल दिख रहा है इसी पर 20 कटेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको 20 ले लेंगे, यानी कि आपका इस स्केल पर इसका ये साइड दिख गया। अब आपका बच जाता है पार्ट्स ये, ठीक है, लेकिन ये बस बच जा रहा है, तो इसमें क्या है कि आपका ये पार्ट्स भी दिख रहा है। तो अब इस पे क्या करना है कि ये पार्ट्स आपका यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से 20, ये जो है यहाँ से 20 ले लेना है, ये 20 है ना, ये 20 दिखा रहा है आपको और ये भी आपका 20 रहेगा, तो यहाँ से लेकर हम क्या करेंगे यहाँ पे आपका ये 20 ले लेंगे, खींच देंगे, और 20 क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ भी आपका दूरी आपका 20 रहेगा और 20 लेके इसको यहाँ मिला देंगे, यानी कि ये आपका बन गया साइड। क्या बन गया आपका साइड, ध्यान से देखिए आपका ये साइड कंप्लीट हो गया। अब हम चलो इसका डायमेंशन दर्शा देते हैं, यानी कि डायमेंशन इसका तो आप 40 कर दिए, यानी कि 20 और 20 40 60 आपका टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट आपका 60 है, ठीक है,
टॉप का आपका 45 आएगा, जबकि आपका फ्रंट का हाइट कितना 60 है, आपका ये 60 एमएम, यानी कि यहाँ आप सीधा लिख सकते हैं कि ऑल ऑल डायमेंशन आर इन एमएम, ऑल डायमेंशन आर इन एमएम। अब इसका हमको क्या करना है कि यहाँ पे आपको दर्शा देना है ये 20 रहेगा आपका, तो ये आपका 20 है, ठीक है। तो आपका ये जो है टोटल आपका इस प्रकार व्यू निकल गया है। आपको क्या करना है, घर पे बैठ के आपको व्यू बनाना है, प्रोजेक्शन बनाना है, ठीक है। आप जितना प्रोजेक्शन बनाइएगा, जितना व्यू निकालिएगा, उतना ही आपको परीक्षा में सहूलियत होगा बनाने में और उसको पढ़ने में। तो ड्राइंग में बस इतना ही आपका, हम थर्ड एंगल में ये था आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का व्यू, ये था आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का व्यू। और बाकी आपका नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और लेके आएंगे पूरा प्रीवियस क्वेश्चन का। तो बाकी आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ पे हमारे पूरे वीडियो अवेलेबल है, उसको देखें और उसमें कमेंट करें आपको क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। अगर अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट कीजिए, हम उसको फिल करने का कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।